और भाई हम लोग समझ लो एकदम टॉप पे, मतलब पानी जहाँ से आ रहा है वहाँ पर नहीं, हम लोग मिडिल में आके भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं। और भाई हमारे जो आंटी जी हैं चच्ची, वो हमको बता दिए हैं कि भाई आप लोग गलत आ रहे हो। वो कहते हैं ना, ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है, वो बात अलग है, बीबी नहीं मिलती है अच्छी। नमस्कार देवी और सज्जनों, उनके छोटे और बड़े बच्चों, स्वागत करता हूं आपका मैं एक और मस्त ब्लॉग में। तो गाइस सीन आज का ऐसे होने वाला है, हम लोग भाई रूम से निकल चुके हैं एक मस्त प्यारा सा हनी वाला ब्लॉग बनाने के लिए। और अभी हम लोग रूम से निकले हैं, चल रहे हैं अतानी से हमको भाई चलना है एक वाटरफॉल पे। और भाई आज तो भाई हम लोग जाएंगे ही नहीं बल्कि वहाँ पर नहाएंगे भी। और भाइयों जाने से पहले यार बारिश स्टार्ट हो गया, यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना बारिश हो गया ना, आप देख सकते हो पीछे पूरा सड़क पे भाई पानी भर गया है। और फिर भी हम लोग रुके नहीं, चल रहे हैं मंजिल के तरफ और पहुँचते हैं, आपको दिखाते हैं। और भाई ऐसा पहली बार हुआ है जो हम लोग रेल ट्रैक पार कर रहे हैं और यहाँ से एक भी ट्रेन हमको देखने के लिए नहीं मिला। बस भाई हम लोग यहाँ पर खड़े होकर बस का वेट कर रहे हैं, बस आएगा उसके बाद चलेंगे वड़िकांचेरी। और भाई जहाँ पर संडे को कुछ भीड़ नहीं होता था, थोड़ा भी क्राउड नहीं होता था, वहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि यहाँ का एक फेस्टिवल है ओनम, वो आने वाला है, इसीलिए बहुत ज़्यादा क्राउड है। और दोस्तों हम लोग वड़िकांचेरी के थोड़ा सा आगे कोटप्पारा जहाँ पर बस स्टैंड है वहाँ पर आकर पहुँच गए हैं। और आगे देखते हैं कैसे क्या करना है, ऑटो लेंगे नहीं तो देखेंगे, बस अगर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। भाई यहाँ का सीन देखो यार, बहुत ही मस्त, बहुत ही लाजवाब है। हम लोग भाई जंगल के बीच में चल रहे हैं, इतना ही आप समझ लो। और भाई हम लोग यहाँ पर आए हैं ना, यहाँ पर आ गए हैं, जाने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है। और यहाँ से आगे भाई हमको इधर पे जाना पड़ेगा, आगे सड़क भी नहीं है पूरा, मतलब बहुत ज्यादा मिट्टी है सड़क में, उधर से ही लगता है चलना पड़ेगा और किसी को पूरा कुछ क्लियर मालूम नहीं है। और अभी जो चटा ने हमको यहाँ पर लेकर आया था उनका भाई हमको अपना फ़ोन नंबर दे रहे हैं, बोल रहे हैं जब आप लोग फुल मस्ती कर लेंगे उसके बाद मेरे पास कॉल करना, मैं यहाँ पर आपको लेने के लिए आऊँगा। हम लोग कहाँ पर आ गए हैं भाई? ये भाई रास्ता भी पूरा कचड़ा है और ये कचड़े में हमको चलना पड़ेगा वैसे। और भाई टेंशन तो सबसे बड़ी बात ही है, हम यहाँ से भाई 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर है वड़िकांचेरी, वो कैसे जाएंगे भाई समझ नहीं आ रहा है। और भाई जो जंगल में से हम लोग चल रहे हैं ना, गूगल मैप में उसका रास्ता भी नहीं दिखा रहा है, केवल चल रहे हैं, सड़क है इतना ही है, बाकी रास्ता कुछ नहीं है। देखो हम लोग बराबर जहाँ चलते हैं पहुँचते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ से भी अभी 5 किलोमीटर दिखा रहा है जबकि हम लोग पास में आ गए हैं। ड्राइवर चटा और वहाँ पर एक बंदा था, वो बोला यहाँ से जाओ 500-600 मीटर दूर वाटरफॉल है, लेकिन देखो कहाँ तक चलना पड़ेगा। और भाई यहाँ पर कोई आदमी भी नहीं दिख रहा है पूछने के लिए, पूरा सुनसान एरिया है, केवल यही एक हैंडसम बॉय है, बाकी और कोई नहीं है भैया, बंद कर लो। लेकिन सीन गजब है भाई यहाँ। हम लोग जो सड़क से चल रहे हैं ना, वो सड़क नहीं है, ये क्या है समझ लो मेड़ है कच्चा वाला, और साइड में पानी आ रहा है, नाला बना है, वो नाला के भाई हम लोग डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि हमको हमारे भैया सब लोग मित्र लोग दिमाग लगाए हैं कि पानी जिधर से आ रहा है उधर ही चलो। और भाई वहाँ पर जो चेटा मिले थे ना, वो बताए थे कि यहाँ से जाके लेफ्ट में मुड़ना, और अब हम लोग उधर ही चल रहे हैं,
लेकिन लग नहीं रहा है कि हम कोई वाटरफॉल तरफ जा रहे हैं। बहुत ही डेंजर एरिया यार, मस्त लग रहा है लेकिन। और यहाँ पर कोई नहीं है कि किसी से पूछ लो कहाँ पर जाना है कहाँ पर नहीं, केवल हम लोग हैं ना, अपना खुद दिमाग लगा के चल रहे हैं। तो भाई अब किधर जाऊँ, यहाँ पे रास्ता भी नहीं है। हम लोग पानी के डायरेक्शन में जा रहे थे। ये लोग को देखो, बोल रहे हैं चलो इधर से चलो, चलो हम भी चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पर एक स्कूटी मिला है, इसका मतलब यहाँ पर कोई आता है। साइकिल भी है भाई, ये देखो इधर खड़ा है। चलो फिर चलते हैं, ऐसे ही आगे चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा, बस कोई भैया मारने वाला ना मिल जाए। चच्ची वाटर फॉल्स इधर, अरे। और भाई हमारे जो आंटी जी हैं चच्ची, वो हमको बता दिए हैं कि भाई आप लोग गलत आ रहे हो, आपको चलना है पीछे से, मतलब हम लोग पीछे चल रहे हैं। देखो जिसके साथ में भाई कोई नहीं होता है ना, उसके साथ में बूढ़े लोग होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, लेकिन होते हैं भाई। देखो यहाँ पर जंगल में हमारे चच्ची जी मिल गई हैं आंटी जी, और वो हमको रास्ता दिखा रही हैं, आ रही हैं मेरे पीछे ही, अभी हमको दिखाएंगे। ओके चच्ची, थैंक यू। वड़कुम वड़कुम भाई, वड़कुम का मतलब, हाँ इधर ठीक, हाँ थैंक यू वड़कुम। और भाई वड़कुम का मतलब मेरे ख्याल से नमस्ते होता है, मालूम नहीं क्या। और भाई वाटरफॉल्स हमको भाई दिख गया, बहुत ही हाइट पे आ रहा है यार, जाला लगा भाई जाला में। हमारे भाई ने भाई एक पत्ता तोड़ा और उससे सफाई करते हुए चल रहे हैं आगे की तरफ। और भाई बहुत ही डेंजर सीन पे आ गया हूँ, लग रहा है बहुत ही खतरनाक जगह है, लेकिन ऊपर जाने के लिए नहीं समझ में आ रहा है कैसे जाएं। बहुत ही हाइट, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ से बहुत हाइट पे ऊपर चलना पड़ेगा। और देखो हम लोग कैसे जाएंगे, चढ़ के जाएंगे क्या करके जाएंगे भाई, रास्ता तो इधर से लग रहा है, मालूम नहीं कोई गया है कि नहीं गया है, क्या लगता है तुम्हें भाई चलने भाई के लिए? यहाँ पर गया नहीं ये हमें लग रहा है, लग रहा है। और क्या लग रहा है किसी को मालूम ही नहीं है, केवल लकड़ी काटने हम लोग आए, केवल लग रहा है हमको, मालूम है हमको ऊपर जाना है और बाकी किसी से मतलब नहीं है, आए हैं तो चलेंगे ऊपर। लेकिन भाई वो कहते हैं ना, ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है, और वो बात आज भाई साबित हो गया। भाई हम लोग ऐसे लोकेशन पर आ गए हैं ना, पैर हिल रहा है, और भाई बहुत ही मजा आ रहा है। यहाँ पर देखो भाई, ये पूरा रबड़ भरा है, देखो ये देखो, बहुत ही ज्यादा ये इसमें। और भाई सीन यहाँ का मस्त है, वाटरफॉल के पास में एकदम आ गए हैं। वो कहते हैं ना, ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है, वो बात अलग है, बीबी नहीं मिलती है अच्छी। लेकिन उसके अलावा सब कुछ मिल जाता है अच्छे से। इतना मस्त लोकेशन पर भाई पहुंचने के बाद लग रहा है कहाँ पर आ गया हूँ, बहुत ही झक्कास लग रहा है। देखो पीछे के वाला सीन देखो, पूरा ऊपर से पानी आ रहा है, अभी तो थोड़ा है लेकिन ज्यादा भी आता है। और भाई बहुत से टीवी, बहुत से न्यूज में भाई देखा है, बहुत से वीडियो में देखा है, वाटरफॉल का भाई पानी अचानक से बढ़ता है। और भाई यहाँ पर साबुन का पाउच वाउच भी पड़ा है। वो कहते हैं ना, हर पिक्चर में कोई एक होता है, और मालूम नहीं वो कौन होता है। तो भाइयों यहाँ पे आके मजा आया, चलो फिर थोड़ा और मैं भी ऊपर चलता हूँ सबके पास में। भाई मैं थोड़ा ज़्यादा ही साइड में हो गया, एक मिनट हम हो आवा थे, एक मिनट। जय हो भगवान की जय, बजरंग बली हर हर महादेव।
ये देखो सीन, पगली पगली क्या है। और भाई हम लोग समझ लो एकदम टॉप पे, मतलब पानी जहाँ से आ रहा है वहाँ पर नहीं, हम लोग मिडिल में आके भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, और पानी ऊपर से आ रहा है, मैं पीछे से भीग रहा हूँ, और ऊपर से भाई मालूम नहीं क्या होगा ऊपर, लेकिन जाने के लिए जगह होगा, हमको मालूम नहीं है लेकिन वहाँ पर होगा। और यहाँ पर भाई नहाने के लिए अच्छा है, लेकिन भाई चोट ज़्यादा लगेगा, सर पे पानी आएगा ना डायरेक्ट, चोट बहुत ज़्यादा लगा है। और भाई पीछे से हम भीग चुके हैं, पीछे से पूरा भीग चुके हैं, यहाँ का भाई सीन मस्त मस्त है बहुत। भाई हम लोग मिडिल में आ गए हैं, जितना ऊपर जाना है उतना नीचे भी जाना है। एक बात और है, हम लोग जब रोम से निकलते हैं ना, हमारा कोई ज़्यादातर प्लानिंग नहीं होता है, लेकिन भाई हम लोग एकदम करेक्ट लोकेशन पर पहुंचते हैं। और यहाँ पर आने के लिए ना, जो हमारे ऑटो वाले चेटा थे उनको भाई ये लोकेशन मालूम नहीं था, और हमको बहुत ज़्यादा दूर पर वो छोड़ के ड्रॉप करके चले गए थे। यहाँ पर हम लोग आए हैं तो केवल अपना सेंस, दिमाग भाई जो सब में कूट कूट के भरा होता है, उसके बदौलत हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इतना अच्छा जगह, इतना खूबसूरत जगह पर भाई, और भाई मज़ा आ गया भाई यहाँ पर सच में। और गाइस इस वाले वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, मतलब इसका दो पार्ट बनाना पड़ेगा भाई, इतना मेहनत करके हम लोग पूरा ऊपर में आए हैं, तो भाई वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, इसीलिए इसको दो पार्ट में कर रहा हूँ, और मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में। इसको देखने के लिए आप मत भूलना, तब तक के लिए थोड़ा वेट कीजिए।